लुधियाना दे किड्स ड्रीम विला प्लेवे स्कूल एंड डे केयर दे वल्लों डायरेक्टर ते प्रिंसिपल नगमा कौशल दी अगवाई विच अठवां सालाना उत्सव मनाया गया, जिस विच नौ निहाला ने स्टेज परफॉर्मेंस दे के खूब ताड़ियां बटोरियां। बच्चों ने 70 ते 80 दे दशक दे समय दी कोरियोग्राफी पेश कीती, तां तुसीं वी देखो खूबसूरत तस्वीरां। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। हाँ जी, आज किड्स ड्रीम विला प्लेवे हबोवाल में हमारा, उसका आज हमारा एनुअल डे है। और एनुअल डे तो देखो स्कूल्स में होते ही है, बस हमने थोड़ा सा कंसेप्ट इसका डिफरेंट रखा। आज ये बदलता दौर, पहले क्या था टाइम और आज का टाइम क्या है, उसको मिक्स एंड मैच करके हमारे बच्चों ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज की। इसमें दोस्ती के ऊपर भी है कि पहले की दोस्ती कैसी थी और आज की जो दोस्ती है उसमें आप लोग बच्चे जो हैं आजकल बोलते हैं गैर कानूनी यार मेरे, और पहले की दोस्ती थी उस पर होता था कि तेरे जैसा यार कहाँ। तो वो जो बदलता दौर है, लड़कियां पहले बोलती थी कि अपनी ब्यूटी को डिस्क्राइब करती थी बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, और जो आजकल की लड़कियां वो बोलती हैं आँख सुर में ना लगी हुई नार दी। तो ये ऐसे थोड़े से कंसेप्ट हमने थोड़ा लाया सो दैट कि हम सोसाइटी को अवेयर करें कि मॉडर्नाइजेशन अच्छी है, वो ये नहीं है कि वो गलत है, बट थोड़ा सा उसको हम लोगों को बदलना चाहिए सो दैट जो हमारा पुराना कल्चर है उसको हम छोड़े मत, जो हमारा असली धन है वो हम अपने साथ रखें। हाँ जी, आज डांस रहा बच्चों का, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एनुअल डे का रहा और बहुत से बच्चों ने अपनी स्पेशल डांस परफॉर्मेंसेज रखी। मदर्स का भी स्पेशली हमारी इन्वॉल्वमेंट रही और हमारे एमएलए साहब बग्गा जी आए, राशि जी आई यहाँ पे, हमारे सोशल वर्कर काफ़ी यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स क्लब से हमारे वो भी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए, इंदु खुराना जी, गोल्डी जी, और मैं सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, मीडिया पार्टनर्स का भी कि आप लोग आए और हमें ब्लेसिंग्स दी यहाँ पे आके। ड्रीम विला प्लेवे स्कूल दे विच और खास तौर पर अज एनुअल फंक्शन जिहड़ा कि गुरु नानक भवन दे विच मनाया जा रहा, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बच्चों दी साल दी जो मेहनत की होंगी है उसनू मंच से लैके आए। पहले सब तो पहला मैं मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, फिर मैं टीचर्स का धन्यवाद करदा, फिर पेरेंट्स का धन्यवाद करदा जिन्होंने बच्चों एक शक्ति दे के इस मंच से लिया। और आस है कि आप हर साल की तरह इस साल भी जो बच्चों तो चाहते हैं वो आने वाले साल सू मिले, क्योंकि अजकल का युग कंप्यूटर का युग है जिस साडे बच्चों वास्ते एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर मैं मैनेजमेंट का इस करके भी धन्यवाद कराँगा कि इन्होंने साडे हल्के शहर में एक अच्छा बच्चों वास्ते एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस साडे बच्चे एजुकेशन लै रहे हैं और आने वाले टाइम यही बच्चे किधर ना किधर वड्डे हो के कोई IPS कोई IAS अच्छी पोस्टों पर जाके शहर की पंजाब की हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। की मैसेज देना चाहोगे, स्टेज पर भी देखिए छोटी जी बच्ची फिल्मा चाह रही है, लुधियाना का नाम रोशन कर रही है। मैं कहूँगा कि अच्छी शिक्षा का एक नतीजा है, पेरेंट्स की संभाल का बहुत बड़ा नतीजा है, टीचर्स की शिक्षा और रस्ता दिखाना एक बहुत बड़ा नतीजा है। यहोजा चीज़ा सानू सारे अपनानिया चाहिए और कि ना कि अज हिंदुस्तान लोड़ है, क्योंकि साडा पंजाब एक सूबा ऐसा सूबा है जिस दे विच सानू पंजाबी होने ते माण है, और पंजाबी जिहड़ी साडी मां बोली है वो किसी भी हिंदुस्तान के कोने चल जाए हर जगह समा जाती है। जिहड़ी कोई दूसरी भाषा है उसनू संभालने वास्ते सानू जगह चाहिए, पर पंजाबी नू संभालने की लोड़ नहीं है, पंजाबी अपनी जगह आप बना लैंदा। इस करके अज पंजाबी जे मैं कह सकदा कि सानू माण है तो साडे बच्चे पंजाब दा नाम रोशन करनगे हिंदुस्तान दे विच, और बाहरलियां कंट्रियां दे विच साडे हिंदुस्तान वाले ने पंजाब का नाम रोशन किया। खास तौर पर जिवें मैं कह सकता बाहर कंट्रियां दे अज मिनी पंजाब बने हुए हैं, इस करके साडे पंजाबियों ते माण है, साडे बच्चों ते माण है, आने वाला भविष्य बहुत वधिया होगा, मेरी विश बच्चों के नाल है।